नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी के साथ हूँ। हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं देश के गौरव बिरसा मुंडा की। जी हाँ, हम यहाँ पर बिरसा मुंडा जयंती जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इस महानायक बिरसा मुंडा की। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर बिरसा मुंडा की, तो हम यहाँ पर बात करेंगे बिरसा मुंडा की। तो बिरसा मुंडा ने दोस्तों यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम के लिए या स्वाधीनता संग्राम के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया था, और यहाँ पर इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में इन्हें जाना जाता है दोस्तों, किन्हें? महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा को। अब बिरसा मुंडा को यहाँ पर हम धरती आबा या ईश्वर के अवतार के रूप में भी जानते हैं। भगवान बिरसा मुंडा ने स्वाधीनता संग्राम के लिए नारा दिया था, अबुआ दिसुम अबुआ राज। जी हाँ, यहाँ पर इन्होंने नारा दिया था कि हमारे देश में हमारा ही क्या होगा, राज होगा। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? बिरसा मुंडा के द्वारा। भगवान बिरसा मुंडा एक राष्ट्रीय नायक थे, जिनका प्रभाव हमको यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा तक दिखाई देता है। ये प्रभाव किनका दिखाई देता है? बिरसा मुंडा को, यहाँ बिरसा मुंडा का। यानी हम यहाँ पर इनके प्रति गहरी आस्था रखते हैं, हम इन्हें भगवान के रूप में यहाँ पर पूजते भी हैं। अगर मैं बात करूँ बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व की, तो इन्होंने यहाँ पर एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम है उल गुलान। उल गुलान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बिरसा मुंडा के द्वारा। अब हमारा राज्य जो मध्य प्रदेश है, ये भी यहाँ पर बात करें हम कि जनजाति राज्य है, तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ यहाँ पर बात कर लेते हैं जनजाति राज्य के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों का प्रतिशत मध्य प्रदेश में 21.1% हमको मिलता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में कुल 24 जनजातियां निवास करती है, और इनकी उपजातियां हमको मिलती है 90। कितनी मिलती है? 90। और 1.53 करोड़ जनजातियां यहां पर निवास करती है हमारे मध्य प्रदेश में। अगर मैं बात करूं यहां पर कि बिरसा मुंडा का जन्म यहां पर होता है 1875 में। 1875 में हमको जन्म देखने को मिलता है बिरसा मुंडा का। और बिरसा का मानना था कि इनका जन्म लोगों की भलाई के लिए, इनके दुख को दूर करने के लिए, और यहाँ पर अवैध कर वसूली और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने इनका जन्म हुआ है। क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ पर जनजाति या भारतीयों के साथ सर्वाधिक क्या किया जा रहा था? शोषण किया जा रहा था। तो यहाँ पर उन्होंने इनके दुख दूर करने के लिए इनको भेजा गया, और इन्हें धरती आबा या जगत पिता के रूप से भी जाना जाता है। किन्हें? बिरसा मुंडा को यहाँ पर धरती आबा या जगत पिता के रूप से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं कि 1899-1900 में इनके द्वारा यहाँ पर विद्रोह शुरू किया गया, जिसका नाम था मुंडा विद्रोह। ये मुंडा विद्रोह यहाँ पर अवैध रूप से कर वसूली और ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध यहाँ पर इसको शुरू किया गया था, जिसका नाम क्या है? मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कहाँ से हुआ था? नागपुर झारखंड से इसकी शुरुआत हुई थी। यहीं पर इसे मुंडा उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह की शुरुआत मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था, जी हाँ, यहाँ पर एक व्यवस्था होती है जमींदारी व्यवस्था, जिसका नाम है खुटकटी जमींदारी व्यवस्था के कारण जो परिवर्तन हुआ, जो समस्याएं आई जनजातियों को जो समस्याएं, इसके खिलाफ ये आंदोलन यहाँ पर शुरू किया गया था। इस विद्रोह में महिलाओं के द्वारा भी यहाँ पर बढ़ चढ़ कर भाग लिया गया। यह विद्रोह जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। इस विद्रोह में जो अंग्रेजों के द्वारा या साहूकारों के द्वारा जो करों में वृद्धि की गई थी, उसको यहाँ पर समाप्त करने के लिए जनता को संगठित किया गया, और इन्होंने ब्रिटिश शासन का अंत हो और झारखंड में मुंडा शासन को स्थापित की जाए, ये बात किसके द्वारा की गई थी? भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा। अगर मैं बात करूं, इन्होंने इसका खूब प्रचार प्रसार किया, गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार किया। अंत में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और सिंहभूमि में गिरफ्तार किया और रांची जेल में डाल दिया गया, और आगे चलकर इनकी जून 1900 में इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। लेकिन इनके जो किए गए प्रयास यहाँ पर आगे जाकर कारगर सिद्ध हुए, और यहाँ पर आदिवासियों के खिलाफ शोषण एवं भेदभाव के विरुद्ध
जो इन्होंने संघर्ष किया था। तो 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम की खासियत ये थी कि जो गैर आदिवासी है वो आदिवासी की जमीन नहीं ले सकता है। जी हाँ, आदिवासी लोगों से गैर आदिवासी में भूमि के हस्तांतरण को क्या किया जाएगा, प्रतिबंध किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारे भगवान बिरसा मुंडा की कहानी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुँचाएँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार साथियों।